माफियाओं के सामने बिसौली पुलिस बोनी हुई साबित। भू माफियाओं ने कोतवाली में पुलिस के सामने मचाया उत्पात। भू माफियाओं के साथ एक बड़े अखबार का हॉकर भी शामिल, जिसके डर से बिसौली पुलिस बनी मौन। ये पूरा मामला यूपी के जिला बदायूं कोतवाली बिसौली का है, जहां कोतवाली में पुलिस के सामने दुकान खाली कराने को धमकाया है और काफी देर तक नोकझोंक के साथ हंगामा होता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रही। हम बता दें कि रोडवेज स्थित 15 दुकानों में दुकानदार लगभग 70 वर्षों से रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। सुनील कुमार, रजन, राजेंद्र लगातार दुकान का किराया देते आए हैं। उन्होंने समाधान दिवस में अपनी शिकायती पत्र में तीन भू माफियाओं पर आरोप लगाया है कि यह 3-4 दिन से पिस्टल लेकर उन्हें धमका रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत पत्र समाधान दिवस में दी, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा मामला दुकानदारों के शिकायती पत्र में साफ लिखा है। समाधान दिवस के बाद दोनों पक्ष कोतवाली में पहुंचे, जहां दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में भी दुकानदारों को धमकाया। अभी जो कोतवाली में झड़प हुई थी, क्या पूरा मामला था, क्या है पूरा? एक रोडवेज पर एक संपत्ति जो कुछ लोगों के द्वारा खरीदी गई और उसमें कुछ दुकानदार 40 या 50 वर्षों से लगभग किराए पर रह रहे हैं, तो उनको ये आपत्ति थी कि वो बगैर हमारी सहमति के या हमारी रोजी रोटी पर कोई संकट ना आने पाए, इसलिए ये बगैर हमको विश्वास में लिए ये दुकान खाली नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने या तहसील प्रशासन में और कोतवाली में अपनी एक लिखित शिकायत दर्ज कराई और इस शिकायत को लेकर हमारे नगर के अध्यक्ष भाई अनिल दस्तोगी भी उन लोगों के साथ में आए और SHO महोदय द्वारा वो शिकायत ले ली गई है और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि बगैर इनकी रजामंदी के या इनको जब तक अन्य कोई मुहैया इनकी रोजी रोटी का साधन उपलब्ध ना कराया जाएगा, बगैर इनकी सहमति के ये दुकान खाली नहीं कराई जाएंगी। इतना सा विषय है। किस पद पर आप, क्या नाम? मैं दुर्गेश वार्ष्णेय हूँ, जिले का उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और हम लोग इन गरीबों के हित में, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीबों की लड़ाई को लड़ती रही है और इसी के तहत हम लोगों ने इनकी बात को रखा है। अभी वो कह रहे थे, बोले कि भाजपा वाले कब्जा करा रहे हैं जमीनों पर, ये क्या बात है? अब आप ये स्वयं देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा यहाँ पर हम लोग हैं, तो ये आपको स्वयं समझने का विषय है कि भाजपा के लोग कब्जा करा रहे हैं या हटा रहे हैं, है ना?